हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 21e एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में जब भी आप प्ले स्टोर के जरिए किसी भी नए ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपका इस ऐप ड्रॉअर के इस पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। वही ऐप आपका ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग इनेबल करने के बाद, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है, इस सेटिंग पेज को आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग के पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।